यूथ कांग्रेस ने हल्द्वानी में जय जवान कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं अग्निवीर योजना के विरोध में अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनैतिक सलाहकार गुरदीप सप्पल ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आर्मी की तैयारी कर रहे प्रदेश भर से आए युवाओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं जहां मंच से नेताओं ने युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी, तो वहीं अग्निवीर योजना के विरुद्ध देश भर में एक बड़ा आंदोलन करने की शपथ ली। गुरदीप सप्पल ने कहा कि देश में 1.5 लाख युवा ऐसे हैं जिन्हें एग्जाम पास करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था, लेकिन सरकार ने सिस्टम बदलकर उनकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी। उन्होंने मांग की है कि अग्निवीर योजना खत्म कर सरकार पूर्व से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान सेलेक्ट हुए थे और अग्निवीर योजना के लागू होने से उनको जो नौकरी के लिए पत्र देना चाहिए था, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए थे, वो रुक गए, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वैसे भी भारत की फौज के संग एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। हमारे अपने रेजिमेंट्स पर हमको बड़ा घमंड है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और हमारे गाँव की 50% इकोनॉमी फौज की पेंशन और फौज की तनख्वाह से आती है, पेंशन से आती है, और उस पर बहुत बड़ा कुटारा कहा था हमारी पलायन बढ़ेगा, देश की सीमाएं कमजोर होंगी और युवाओं का जो एक सपना रहता है अपने पिता की जैसे वर्दी पहनने का, उनके जैसे मेडल पहनने का, उस पर बहुत बड़ा कुठारा घात हुआ है। पहाड़ का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए और जिस तरह से पहले फौज में भर्ती होती थी, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होती थी, वही प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। अभी पिछले दिनों हमसे और उसके बाद राहुल गांधी जी से कई हज़ार ऐसे युवा मिले जिनको कि एग्ज़ाम पास कर चुके थे, एग्ज़ाम पास ही नहीं कर दिया, उनके मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था लेकिन ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया।